हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राकेश और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो भी दुबई आना चाहते हैं। ख़ासतौर से जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले हैं, उनको कई प्रॉब्लम्स हैं, कई क्वेरी हैं उनकी, बार बार मुझसे पूछते हैं। और एक भाई साहब ने हमसे पूछा था कि अगर यहाँ सैलरी जो है 2000-2500 ऐसे मिलती है असिस्टेंट फार्मासिस्ट को, तो उसमें क्या सेविंग होगी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो है अभी फ्रेशर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर आ रहे हैं दुबई में, तो अगर आपको 2500 भी सैलरी मिलती है तो आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2500 की सैलरी पे, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है, अगर आप DHA में जॉब पाते हैं, ठीक है, दुबई में अगर जॉब मिलेगी तो 2500 में आपकी सेविंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको MOH में 2500 भी सैलरी मिलती है ना, तो उसमें आप अच्छा खासा सेव कर सकते हो। क्योंकि अगर 2500 सैलरी देते हैं तो वो लगभग आपका जो है एकोमोडेशन दे देते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपका केवल खाने का खर्च आएगा यहाँ पर। तो खाने का खर्च कितना आएगा, मैक्सिमम आपका 200-250 ऐसा खाने का खर्च आता है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, अच्छी खासी 500 में आप अपना खाना और जो भी ज़रूरत के सामान है आपके, वो 500 के अंदर में हो जाएंगे। तब भी आप 2000 यहाँ पे सेव करते हो, ठीक है। 2000 सेव करने का मतलब क्या हो गया कि आपका लगभग 45,000 रुपये आपकी सेविंग हो रही है, ठीक है। और आप यहाँ पे फ्रेशर के तौर पे आ रहे हैं, तब आपको 45,000 अगर सैलरी मिल सेविंग हो रही है सिर्फ, तो आपके लिए बहुत ही है, ठीक है। क्योंकि आप अभी नए हैं और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ का मिल जाएगा, तो आपको और अच्छी सैलरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप 2500 पे ही अपनी पूरी ज़िंदगी काट देंगे। यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में एक साल भी अगर आप 2500 की सैलरी पे जॉब कर लेते हैं, तो आपको 100% 3000-3500 फिर आगे जब भी आप मूव करते हैं किसी दूसरी कंपनी में, तो आपको डेफिनेटली 3500 तक की सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग पहले ये सोच लेंगे कि हमें इतनी कम सैलरी मिलेगी, हम वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, बचाएंगे क्या, तब फिर आप मतलब कि क्या कहूँ मैं इसके लिए, कि आप फिर अपना प्लान नहीं कर सकते आप यहाँ आने के लिए, ठीक है। अगर आप इंडिया में भी रहते हो, आप फ्रेशर की जॉब मिलती है आपको, तो कितनी सैलरी वहाँ मिलती है मुझे पता है वहाँ के क्या कंडीशन है। 10,000-15,000 के बीच में ही आपको सैलरी मिलेगी एज ए फ्रेशर, ठीक है। यहाँ पर आपको 55,000 के करीब में सैलरी मिल रही है फ्रेशर आने पर, और उसमें से आप जो है 40,000 तक की सेविंग तो मिनिमम आप कर ही लोगे, ठीक है। 2000 का मतलब हो गया कि 45,000 आपकी सेविंग हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप आइए बिल्कुल जो भी आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलती, क्योंकि यहाँ सैलरी कंपटीशन बहुत है जॉब का, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि 5 साल के बाद यहाँ जॉब इजली मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोग आ रहे हैं और जिसको देखो वो इधर मूव हो रहा है, ठीक है। ख़ास तौर से केरला का कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो यहाँ ना आया हो, छोटे से छोटे पद को लेकर के और बड़े से बड़े पद पर हर जगह केरला के आपको आदमी मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने अंदर उत्साह लाइए कि मुझे यहाँ आना है, जॉब करना है। स्टार्टिंग में देखिए क्या है कि अगर आप जो है किसी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, कोई ना कोई जनरल डिब्बे में सफ़र किया ही होगा, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि अगर खड़े होने की जगह मिल जाएगी तो हमें वहाँ पे लेटने की भी जगह हम बना लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, पहले आप यहाँ आइए और खड़े होने की जगह ढूंढिए, ठीक है। मीन्स किसी भी कंपनी में आप पहले लगिए, जब तक आप कोई स्टार्टअप नहीं करोगे तब तक आप आगे सक्सेस नहीं होगे। इसलिए छोटी छोटी भी कंपनी मिलती है आपको 2500 भी दे रही है, तो आप पहले उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद फिर क्या है, आपको आगे का रास्ता खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है। जब आप यहाँ आएंगे और किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको भी यहाँ का पूरा आइडिया लग जाएगा, और जो है आप यहाँ के कल्चर को समझ जाएंगे, पूरे यहाँ के मेडिसिन का जो भी हमारा कैसा वर्क है, क्या है, सारे ब्रांड क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। फिर आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आप अपना करियर यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। 3000 तो बहुत छोटी सी बात है, आप 5000 सैलरी भी पा सकते हैं 2-3 से 4 साल के अंदर में, ठीक है। 5 साल अगर आप यहाँ बिता देते हैं तो लाखों के ऊपर सैलरी आप कमा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, आप लोग आइए यहाँ, अपना वही है ना कि पैर रखने की जगह बनाइए, उसके बाद फिर आप खुद समझ जाएंगे कि हमें लेटने का जगह कैसे बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।